माँ सर्वेश्वरी तुम पाही माम शरणागतम। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित देवेश पंडा शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, तंत्र विशेषज्ञ। मित्रों, आज आपको उस अद्भुत जानकारी से अवगत कराना चाहता हूँ जिसको जान के आप अपने जीवन में हर तकलीफों से मुक्ति पा सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ का वो नियम, जिसको आप जान जाएंगे तो आपके जीवन में कोई भी समस्या बाकी नहीं रहेगी। हनुमान चालीसा का पाठ सभी करते होंगे, लेकिन नियम कुछ ही लोग उसका पालन करते होंगे। यदि आप पूर्णतः नियम के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो महाबली हनुमान, बजरंगबली प्रभु आपके ऊपर सदैव आशीष बरसाते रहेंगे, और उनका आशीष यदि आपको मिलता रहेगा तो आपके जीवन में कोई भी संकट हो, किसी प्रकार की भी विपदा हो, वो खत्म हो जाएगी और जीवन सुखमय, शांतिपूर्वक और खुशहाली के साथ संपन्न होगा। तो इसका क्या नियम है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आप लोगों को याद दिला दूँ, यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अच्छे अच्छे वीडियो बना रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। कृपया लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अपनी राय जरूर दें, जिससे मैं वीडियो में और सुधार लेके आ पाऊँ। आप सभी जानते होंगे कि गोस्वामी तुलसीदास के बारे में, जिन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की थी। हनुमान चालीसा में 40 स्त्रोत हैं, इसलिए इसे चालीसा भी कहते हैं। हनुमान चालीसा के नाम से भी अपन बोलते हैं। इसमें भगवान के 108 नामों का उल्लेख है। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आप भगवान बजरंगबली जी के 108 नाम का जाप कर रहे हैं, समझिए। और ऐसा करने से प्रभु की जो आशीर्वाद है वो आप पे हमेशा बना रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ एकमात्र ऐसा पाठ है जिसको करने से सभी ग्रहों की शांति हो जाती है, खासकर शनि ग्रह, जो यदि आपसे नाराज हैं शनि और आप विपदा में हैं, तकलीफ में हैं शनि के कारण, तो हनुमान चालीसा का नियम के साथ आप अपना पाठ करें और देखिए आपको शनि के जो बुरे प्रभाव हैं, नकारात्मक प्रभाव हैं, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। भगवान शनिदेव भी आपको सकारात्मक प्रभाव देना चालू कर देंगे। हर जो भी पाठ होता है पुराणों में, शास्त्रों में, उसका एक नियम बनाया गया है। किसी भी मंत्र को, किसी भी पाठ को कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए और पूरे नियम से पढ़ना चाहिए। यदि आप नियम से नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुष्परिणाम आपको जीवन काल में झेलना पड़ेगा। जिस पाठ को हम खुश करने के लिए करते हैं ईश्वर के, यदि आप उसको नियम के विरुद्ध करेंगे तो कहीं ना कहीं आप ईश्वर को नाराज करेंगे। तो जो भी पाठ है, जो भी पूजा पाठ है, जो भी मंत्र है, सदैव उसको नियम पालन करते हुए पढ़ें। देखिए उसका पूर्ण रूपेण आपको फायदा मिल जाएगा। हनुमान चालीसा का जो नियम है मैं आपको बताने जा रहा हूँ मित्रों, इसको ध्यान से सुनिए और जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करें इसको नियम पूर्वक ही करें। हनुमान चालीसा संपूर्ण पाठ है जिसमें हनुमान भगवान के व्यक्तित्व का वर्णन है, उनके राम के प्रति प्रेम का वर्णन है, उनकी तपस्या का वर्णन है, उनके कार्यों का वर्णन है, उन्होंने अपने जीवन काल में जो भी किया सबका वर्णन आपको संक्षिप्त रूप से इस हनुमान चालीसा में मिल जाएगा। इसका पाठ करने से हनुमान भगवान तो प्रसन्न होंगे, उनके स्वामी श्री रामचंद्र और माता सीता भी आप पर प्रसन्न रहेगी, भोले बाबा का भी आशीर्वाद आप पे बना रहेगा। यदि कोई भी तकलीफ हो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हर संकट को मिटाने वाले भगवान बजरंगबली हैं, सब संकट का निवारण प्रभु हनुमान कर सकते हैं, ये आप सब जानते हैं। नियम यह है कि इसको जब भी पाठ करें पहले अपने घर के ईशान कोण में, जहाँ पे आपके मंदिर की स्थापना की हुई, एक भगवान बजरंगबली की मूर्ति या फोटो जरूर स्थापित करें और उसमें लाल चंदन जरूर चढ़ाएं। प्रभु को लाल चंदन बहुत प्रिय है। एक छोटी सी घटना आपको बताता हूँ क्यों प्रिय है प्रभु को लाल चंदन। एक बार माता सीता सिंदूर लगाती रहती हैं तो हनुमान जी वहाँ पहुँच जाते हैं, पूछते हैं माता आप सिंदूर क्यों लगाती हैं, तो बोलते हैं माता उनको बताती है कि पुत्र इस सिंदूर से मेरे स्वामी की उम्र लंबी होती है। इसे सुन के बजरंगबली प्रभु हनुमान अपने शरीर में सिंदूर लगा के श्री राम और माता सीता के समक्ष खड़े हो जाते हैं। जब प्रभु राम पूछते हैं कि ये तुमने क्या किया, पूरा शरीर को लाल क्यों किया सिंदूर से, तो वो बताते हैं कि माता मुझे बताती है कि उनकी चुटकी भर सिंदूर से आपका जीवन की आयु लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने पूरे शरीर में सिंदूर लगा दिया, आपकी आयु बहुत बढ़ गई होगी प्रभु।
ये सोच के मैंने ये कार्य किया, तो प्रभु बहुत खुश हुए, भगवान रामचंद्र उनके निश्चल प्रेम से और उनको गले लगा लेते हैं। सिंदूर थोड़ा सा जरूर चढ़ाइए, उसके बाद पाठ को करें, कभी भी अधूरा पाठ छोड़ के ना उठें, पाठ को पूरा करें, चाहे कितना भी अर्जेंट काम क्यों ना हो, या सुन रहे हो पाठ को किसी से, मोबाइल से या किसी से, तो पूरा सुने, आधा में बंद ना करें, ये नियम को कभी ना तोड़ें। रामचंद्र जी और माता सीता का स्मरण करके यदि ये फोटो रखें तो उनको प्रणाम करने के बाद ही पाठ चालू करें, तो उस पाठ का फल आपको ज़्यादा मिलेगा। खड़े होकर पाठ ना करें, आसन लगा के बैठ के पाठ करें, हो सके तो लाल कलर का आसन में बैठ के पाठ करें। इस पाठ को दिन में 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार आप कर सकते हैं। यदि प्रभु की जयंती है 108 बार पाठ करें, आपके जीवन के हर संकट खत्म हो जाएंगे इस पाठ को करने से। तो ये है हनुमान चालीसा का पाठ के नियम, इसको करिए और देखिए आपके जीवन की विविधताएं आपसे कैसे कोसों दूर भागती है। अब इसके साथ मैं विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, नमस्कार मित्रों।